IMF को ये 750 बिलियन का जो कमिटमेंट दिया आप सबने साइन करके दिया है। तो आपने अभी कह देना है कि जनाबे वाला जो हमने कमिटमेंट दी थी वो फ्लड से पहले थी, अब फ्लड पे हमें बहुत पैसे खर्च करना पड़ेंगे, तो इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं अभी से कि वी विल नॉट बी एबल टू ऑनर आर कमिटमेंट। बिल्कुल, दैट्स ऑल वी वांट कि वो उनको उनके ऊपर जो प्रेशर पड़े इस सालों के ऊपर हमें अंदर करवा रहे हैं, हमारे ऊपर टेररिज्म की चार्जेस कर रहे हैं और ये बिल्कुल स्कॉट फ्री जा रहे हैं, वो नहीं होने देना ना हमने। फाइनली यू नो वी कैन सेंड इट टू द फेडरल गवर्नमेंट और फिर हम उसको जा रहे हैं उसको रिलीज भी कर देंगे, IMF के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको भी कर देंगे। सर वो आपने खत बना लिया? अभी मैं बनाता हूँ, जैसे इट्स अ ब्लैकमेलिंग टैक्टिक, पैसे तो किसी ने वैसे ही नहीं छोड़ने, मैंने तो नहीं छोड़ने, आई डोंट नो लगारी ने छोड़ने तो उससे भी नहीं छुड़वाएंगे ना खत लिख के। तहरीक इंसाफ की IMF से कर्ज का हुसूल नाकाम बनाने की साजिश का भांडा फूट गया। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन की पंजाब और KPK के वजराए खजाना के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगु लीक होने से IMF माहिदे की नाकामी की साजिशें सामने आ गईं। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा मीटिंग में IMF माहिदे पर विफाक का साथ न देने का फैसला हुआ है, आप विफाक को खत लिखकर मना कर दें। वजीर खजाना पंजाब मोहसिन लगारी ने तशवीश का इजहार करते हुए सवाल किया कि रियासत को तो नुकसान नहीं होगा? शौकत तरीन बोले होगा तो जरूर, लेकिन ये हमारे चेयरमैन पर मुकदमात बनाए और हम रियासत के नाम पर इनसे तआवुन करते जाएं, ऐसा तो नहीं हो सकता। शौकत तरीन की रियासत पर जमात मुल्क से बढ़कर जाती मफाद को तरजीह देने के मशवरे, IMF हुकाम और सोशल मीडिया पर भी खतूत रिलीज करने का कह दिया। हमारी स्टेट को तो नुकसान नहीं होगा सर, मैं वुड पाकिस्तान एज अ स्टेट सफर बिकॉज ऑफ दिस? वेल फ्रेंकली स्पीकिंग यू नो इज़न्ट दी स्टेट सफरिंग बिकॉज ऑफ यू नो द वे दे आर ट्रीटिंग योर चेयरमैन एंड एवरीबॉडी एल्स? देखो ये तो जरूर होगा ना कि IMF कहेगा कि जी अच्छी पैसे के दर्द पूरे करेंगे तो ये और साल मिनी बजट लेके आ जाएंगे जो भी आएंगे, लेकिन द वेरी फैक्ट इज कि हमने इस वक्त उनको ये कहना वी कांट यू नो स्टैंड ऑन वन साइड, वो हमें मिसट्रीट कर रहे हैं और हम उनको बिल्कुल यू नो ऑन द नेम ऑफ वो ब्लैकमेल कर रहे हैं स्टेट, आप हमें हेल्प करें तो हम उनको हेल्प करते हैं। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने जब पाकिस्तान मुखालिफ साजिश करते हुए IMF डील नाकाम बनाने के लिए वजीर खजाना पंजाब मोहसिन लगारी से बात की तो मोहसिन लगारी फौरन नहीं मान गए, तशवीश का इजहार करते हुए कहा ऐसा करने से रियासत को तो नुकसान नहीं होगा। शौकत तरीन ने हुब्बुल वतनी के तमाम तकाजों को बालाए ताक रखकर बेहिसी से जवाब दिया जरूर होगा। पाकिस्तान मुखालिफ इकदाम का जवाब शौकत तरीन ने ये दिया कि हुकूमत PTI चेयरमैन इमरान खान पर मुकदमात बनाए और PTI रियासत के नाम पर इनसे ताबुन करती जाए, ऐसा नहीं हो सकता। रियासत पर शख्सियत को तरजीह देने की रहनुमा की सोच कारकुनान में भी ऐसे ही जज्बात उभारती है जिसका मुजाहरा हालिया दिनों में देखा गया। बहुत गुस्सा है और दिल कह रहे कि आग लगा दे, इस वक्त कोई पाकिस्तान से प्यार नहीं है, फिर हम आग लगाएंगे, हर पूरे पाकिस्तान को बंद करके आग लगा देंगे, खत्म कर देंगे, हो जाए इमरान नहीं है तो हो जाए। यार हमें एक जरा इसको किस तरीके से करना, क्या IMF को लीक करना या नहीं करना वो हम चेयरमैन से पूछ लेंगे। Should we just send it to the federal government and leave it there, or should we also just then you know raise it with the IMF? सोशल मीडिया से ज्यादा पावरफुल टूल कोई नहीं है, तो हमें जरूरी रिलीज करने की जरूरत ही नहीं होगी, वो खुद ही सोशल मीडिया कर देगा। और वो तैमूर कह रहा था मैं उनके नंबर टू वगैरह को बड़ा अच्छा जानता हूँ, मैं उसको वैसे ही लीक कर दूंगा। आई ऑल्सो नो द IMF नंबर टू जो यहाँ पे है वो कर देंगे। IMF डील नाकाम बनाने का रियासत मुखालिफ बयानिया महज शौकत तरीन का जाती आइडिया नहीं था, PTI का मुश्तरिका मुनज़्ज़म फैसला था। तरीन लगारी ऑडियो लीक में शौकत तरीन साफ कह रहे हैं कि IMF डील नाकाम बनाने के लिए खत लिखने का फैसला कल हुआ है, वो ये भी कहते सुनाई दे रहे हैं कि अब मजीद आगे किस तरह चलना है, खत सिर्फ विफाक को भेजना है या IMF को, ये वो चेयरमैन से पूछ लेंगे। मोहसिन लगारी ने मामले को उठाने के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल का मशवरा दिया, शौकत तरीन भी तजवीज मान गए। साथ ही KP वजीर खजाना तैमूर झगड़ा का हवाला देते हुए कहा तैमूर कह रहा है कि वो IMF नंबर टू को जानता है, वो उसे लीक कर देगा।
अच्छा बोथ खान साहब एंड महमूद खान टोल्ड मी दैट वो कल की मीटिंग में कोई डिस्कस हुआ था दैट वी शुड डू अ प्रेस कॉन्फ्रेंस टुगेदर. दिस इज व्हाट वाज डिसाइडेड यस्टरडे कि यार हमें एक जरा इसको किस तरीके से करना है, क्या आईएमएफ को लीड करना है या नहीं करना, वो हम चेयरमैन से पूछ लेंगे, आप भी होंगे, हम बात कर लेंगे. मुनज़्ज़म मनसूबा बंदी के साथ पीटीआई क़यादत ने पाकिस्तान मुखालिफ साजिश तैयार की. आईएमएफ डील नाकाम बनाने के लिए खत लिखने का फैसला पार्टी मीटिंग में हुआ. आगे की हिदायत चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से लेने पर भी बात हुई. शौकत तरीन के मोहसिन लगारियों तैमूर झगड़ा से बातचीत की ऑडियो लीक से वाजे हो गया कि फैसला जमाती बुनियादों पर किया गया. तैमूर झगड़ा ने शुरू में इस खबर की तरदीद की थी कि खत आईएमएफ को भेजा जाएगा. ऑडियो लीक में वो वाजे तौर पर आईएमएफ नंबर 2 से अपने राबतों का हवाला देकर उनसे राबतों का जिक्र कर रहे हैं. माजी में फवाद चौधरी मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स में साफ साफ कह चुके हैं पंजाब और केपी की हुकूमतें उस आईएमएफ डील को नहीं मानेंगी जिस पर खुद दस्तखत कर चुकी हैं. जो गिरी हुई हरकत पीटीआई ने की है, जो शौकत तरीन जिसका आर्किटेक्ट है कि इमरान खान से उसने पूछा, उसके बाद वो मीटिंग के अंदर जो रिकॉर्डिंग आई है और फिर उसने उसके बाद महमूद लगारी को फोन किया, मोहसिन लगारी को फोन किया पंजाब में, तैमूर झगड़े को फोन किया केपी में, और अब असद उमर इसको आके डिफेंड कर रहे हैं. तो इनमें से और महमूद खान भी इसमें शामिल थे, इनमें से सिर्फ एक मोहसिन लगारी है जिसने एक सवाल पूछा कि क्या रियासत को इससे नुकसान होगा, बाकी किसी ने नहीं पूछा. तैमूर झगड़ा ने कहा कि मैं इसको एमएफ के नंबर 2 को जानता हूं, मैं उसको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा. पीटीआई ने गिरी हुई हरकत की है जिसका आर्किटेक्ट शौकत तरीन है. मोहसिन लगारी ने शौकत तरीन से पूछा क्या इससे मुल्क को नुकसान तो नहीं होगा. मोहसिन लगारी के सवाल पर शौकत तरीन ने आए बाएं शाइन की, अल्लाह रसूल का खौफ करो, ये कर रहे हो पाकिस्तान के साथ, क्या इमरान खान की हुक्मरानी के हवस पर पाकिस्तान की बलि चढ़ा दें. वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल का रद्द अमल, कहा झूठ बोलते हो, मुल्क के खिलाफ साजिश करते हो, शर्म आनी चाहिए, आप तमाम हदें पार कर चुके. मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि आपने जुमे को आखिर वक्त में लेटर भेजा और आईएमएफ को लेटर पहले भेज दिया था, आईएमएफ से चेक करवा लिया था, आईएमएफ के पास लेटर था. आज इन लोगों के असल चेहरे कौम के सामने आ गए हैं. महीने वजीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा यानी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को मीटिंग का टाइम नहीं दिया जाता. जिस वक्त अभी ये खत लिखा तो आप कहां से निकल आया टाइम मुलाकात. शौकत तरीन की फोन कॉल के अंदर पहले तो जाहिर है कोई मुल्क के अंदर कानून छानून तो बचा ही कोई नहीं है, वो टैपिंग हो रही है, उसके अंदर वो पुराना काम इन्होंने शुरू किया हुआ है, कट पेस्ट वगैरह तो करते ही रहते हैं, वीडियो भी बना लेते हैं कट पेस्ट करके, ऑडियो भी बना लेते हैं, ये पहली दफा नहीं किया, वो करते रहते हैं. अगर शौकत तरीन ने मोहसिन लगारी और तैमूर झगड़ा से बात की है तो कौन सी गलत बात है. शौकत तरीन ने पंजाब और केपी के वजीर खजाना को कहा कि विफाक को कहो कि हमारे पास सैलाब आ गया है. शौकत तरीन ने दोनों वज़रा खजाना को कहा कि विफाक को कहें कि हमारे पास सरप्लस नहीं. शौकत तरीन की ऑडियो में कट पेस्ट की गई है, ये काम पहले भी ये करते रहे हैं. पीटीआई के रहनुमा असद उमर का मुबैना टेलीफोनिक गुफ्तगू पर रद्दअमल, कहा तैमूर झगड़ा ने विफाकी हुकूमत को खत लिखा जिसमें कहा गया कि कुछ इकदाम हैं जो विफाक को करने पड़ेंगे. असद उमर ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना को 2 महीने मुलाकात का वक्त नहीं दिया गया. अब जब खत लिखा तो कैसे मुलाकात का वक्त निकल आया. आप पहले भी सियासत कर रहे थे, पिछले 2 दिन से भी सियासत कर रहे हैं, हकीकत अभी तक सिर्फ एक खत है, बाकी सिर्फ रौला है. जो भी बातचीत हुई उसका आखिरी नतीजा खत है. मैंने खत खुद लिखा है, इसकी जिम्मेदारी लेता हूं. हम पर लोगों के हक के लिए आवाज उठाने पर सवालिया निशान लगाना है तो लगाएं. मैंने फिर काफी मर्तबा रिश्ता इस्माइल को मैसेजेस किए, लीक्स का एक कल्चर है, लेकिन मैं वो स्क्रीनशॉट्स लीक नहीं करूंगा. खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा का रद्दअमल, कहा उन्होंने खत में लिखा कि कबायली अजला का बजट मसला हल करना चाहिए, जब से ये हुकूमत आई हमें विफाक से 1 रुपया नहीं मिला, सैलाब के बाद हम कैसे सरप्लस छोड़ने की पोजिशन में होंगे, हमें अपने सूबे और पाकिस्तान के मफाद के लिए काम करना है. ये सिर्फ कोई ब्लैकमेलिंग टेक्निक नहीं है, यानी आप ये सोचिए आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं. आप कोशिश ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान का हाल श्रीलंका वाला हो जाए.
पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान की कौम को आप इस नाजुक घड़ी में जब वो इंतहा मुश्किल से गुजर रहे हैं, तो ये अपनी सियासी जात को बचाने के लिए और सियासी बर्तरी के लिए, अना की बर्तरी के लिए ये सियासत कर रहे हैं, रियासत को डुबोने तैयार है। वफाकी वज़रा का रियासत पर सियासत को तरजीह देने पर हैरानी का इजहार। मुसद्दिक मलिक ने कहा, यह सिर्फ ब्लैकमेलिंग नहीं, मुल्क के खिलाफ साजिश है। ये कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान का हाल श्रीलंका वाला हो जाए। शेरी रहमान ने कहा कि उन्हें शौकत तरीन की गुफ्तगू सुनकर धचका लगा कि ये अपनी जात को बचाने, अना की बर्तरी के लिए, रियासत को डुबोने के लिए तैयार है। एमक्यूएम पाकिस्तान के फैसल सब्जारी ने कहा कि अपनी सियासत के लिए अवाम के मुस्तकबिल से खिलवाड़ शर्मनाक है। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज वाशिंगटन में होगा। स्टाफ लेवल माहिदे का जायजा लिया जाएगा। सातवें और आठवें जायजे के बाद पाकिस्तान को 1 अरब 17 करोड़ डॉलर की कर्ज जारी होने का इम्कान। पाकिस्तान ने प्रोग्राम की मुद्दत में 1 साल की तौसी और कर्ज की रकम में 1 अरब डॉलर इजाफे की दरख्वास्त कर रखी है। बदीन और सांगर में नए सैलाबी रेले, मजीद बस्तियां डिबोने आ गए। सैलाब से उजड़े इलाकों में मजीद तबाही के खदशात। परेशानी और तशवीश में मुब्तला शहरी कीमती सामान और मवेशी लेकर इलाकों से निकलने लगे। जिला दादू में सैलाब की सूरत हाल तशवीशनाक हद तक खराब। पीयू बंद में शगाफ डालने के बाद सैलाबी रेला मेहर शहर की तरफ बढ़ रहा है। खैरपुर नाथन शाह से भी शहरी महफूज मकाम पर मुंतकिल हो रहे हैं। सेम नाले में 150 फुट शगाफ पड़ने से पानी सांगर शहर की तरफ बढ़ने लगा। 15 से ज्यादा गांव जेरे आब आ गए। नवाबशाह रोड पर बंद बनाने की कोशिशें। बदीन की पुरान नदी में गुज़िश्ता शब पड़ने वाला शगाफ अब तक पूर्ण न किया जा सका। टंडोबागो, खैरपुर मलकानी और दीगर इलाकों में मकीनों का मदद का मुतालिबा। दरियाए सिंध में सखर, चश्मा, तौनसा, गुडू पर ऊंचे दर्जे के सैलाब से सैलाब जदा इलाकों में सूरत हाल गंभीर होने का खदशा। कच्चे के इलाके में कई देहात जेरे आब आ गए। बलूचिस्तान में सैलाब में डूबे देहात से आने जाने के लिए कश्ती वाहिद जरिया। तबाह हाल मकीनों पर किराए का इजाफी बोझ भारी पड़ने लगा। जाफराबाद तहसील उस्ता मोहम्मद को भी पानी ने घेर रखा है। सोहबतपुर के इलाके भंग में भी सूरत हाल शदीद। अब तक सड़कें, घर सब जेरे आब। सड़कों पर बनाए गए कैंप भी पानी पानी हो गए। मुतासरीन के पास न सर पर छत, न पीने के लिए साफ पानी, न बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए कोई दवा मौजूद। नसीराबाद में बारिश का सिलसिला एक बार फिर शुरू। आर्जी खेमों में मुकीम मुतासरीन प्लास्टिक और चारपाइयों से खुद को और अपने जानवरों को ढांपने पर मजबूर। खुले आसमान तले सैलाब जदगान, ताहाल इमदाद के मंतजर। सैलाब से निजाम जिंदगी दरहम बरहम। 6 दिन से बिजली बंद, सुई गैस बंद, मोबाइल फोन सर्विस बंद, कौमी शाहराहें बंद, ट्रेन सर्विस मुअत्तल। बलूचिस्तान का दीगर सूबों से राबता मुहाल, इंटरनेट सर्विस जुज़वी तौर पर बहाल। PDMA के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में सैलाब से मजीद 6 अफराद जान बहक हो गए। हलाकतों की कुल तादाद 248 हो गई। सूबे में 61,488 मकानात को नुकसान पहुंचा। 18 पुल टूटे। 1,000 किलोमीटर पर मुश्तमिल मुख्तलिफ शाहराहें मुतासिर हुई। पख्तूनख्वा में सैलाबी बारिशें थम गई, लेकिन कई दरियाओं में तगियानी और ऊंचे दर्जे के सैलाब से खतरा कम न हुआ। नौशहरा के मकाम पर दरियाए काबुल में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरिया किनारे वाकई आबादियां डूब गई। सैलाबी पानी ने घरों में मौजूद हर चीज को नाकाबिल इस्तेमाल बना दिया। शहरी हुकूमती इमदाद के मुंतजर। 4 सद्दा का इलाका गुलाबाद सैलाब से शदीद मुतासर। दर्जनों घर पानी की नजर हो गए। खेमों में पनाह लिए सैलाब मुतासरीन को शदीद गर्मी और खाने पीने की अशिया की किल्लत का सामना। जिला टांग में सैलाबी रेलों और मुसलसल बारिशों से खड़ी फसलों, सुई गैस पाइपलाइनों और सड़कें को नुकसान। आवाम रुल कर रह गए। कालाम के बालाई इलाके अतरोड़ और गबराल में कई राबता सड़कें और मकान सैलाब की बाइस तफाई हस्ती से मिट गए। बालाई इलाकों के लोगों का बल्कि दूसरे
हिस्सों से जमीनी राबता मुकदा। गिलगित बल्तिस्तान के गांव बोबर में गुज़िश्ता दिनों होने वाली लैंडस्लाइडिंग से हजारों मुतासिर अफराद हमसाया गांव मुंतकिल। शब कदर में लोगों ने अपनी मददाब के तहत सड़कें बनाना शुरू कर दी। नहीं होंगे हम लोग आराम से नहीं बैठेंगे इंशाल्लाह। ये सियासत का वक्त नहीं है, वो सियासत किसी काम की नहीं है जो मेरे आवाम के काम ना आए। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज सैलाब मुतासरीन से इजहार यकजहती के लिए तौंसा शरीफ पहुंच गयी। मुतासरीन से गुफ्तगू में कहा कि वो सियासत किसी काम की नहीं जो आवाम के काम न आए। इस वक्त तमाम जमातों का फर्ज है कि कौम की मदद के लिए आगे आए। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए जो भी करना पड़ा हम करेंगे। मुतासरीन की बहाली तक आराम से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। नौशहरा और चारसद्दा में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की। मुश्किलात और मसाइल से नए लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाने और रेस्क्यू के लिए तमाम वसाइल को बरूए कार लाने की हिदायत। मुतासरीन से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, चारसद्दा नौशहरा स्वात दीर में बारिश और सैलाब से नुकसान हुए। वफाक और सूबाई हुकूमत मिलकर मुतासरीन के लिए काम कर रहे हैं। 25,000 रुपए फी घराना मुतासरीन में तकसीम किए जाएंगे। जहां बहक अफराद के अहले खाना को 10,00,000 रुपए दिए जाएंगे। शहबाज शरीफ ने नौशहरा में मर्दान पुल पर सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। मोहनमंद डैम साइट का दौरा किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सैलाब से डैमों के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचने पर तश्वीश है। सैलाब से बेपनाह नुकसान हुए हैं। बहाली के लिए वक्त दरकार है। मैं ये चंद दिन से सैलाब अफेक्टेड एरिया का दौरा कर रहा हूँ। कल मैं बलूचिस्तान में था, उथल और बिला के इलाके में। आज मैं ये खैरपुर सिंध में आया हूँ। यहाँ बहुत मैसिव डेवस्टेशन हुई है, बहुत तबाही हुई है। वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और फलाई इदारे बहुत कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को रिलीफ पहुँचाई जाए, लेकिन मेरा ख्याल है ये जो प्रॉब्लम हुआ है, ये जो सैलाब आया है, ये बहुत ही इसका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है। इसको ठीक होने में, लोगों को रिलीफ देने में, लोगों को रिहेबिलिटेट करने में बहुत साल लग जाएंगे। तो मैं अपील करता हूँ तमाम पाकिस्तानी अपने जो मुखैर हजरात हैं कि वो सामने आएँ और इस मुश्किल हालात में अपने इन भाइयों की, जो कि बहुत ही मुश्किल हालात में हैं, इनकी मदद करें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सिंध के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। आर्मी चीफ ने कहा कि इस साल बड़े पैमाने पर सैलाब आया, लोगों को रिलीफ देने और बहाली में कई साल लग जाएंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सैलाब सदगान के लिए अपील। कहा, विफाकी सूबाई हुकूमतें और मुसल्ला अफवाज के वसाइल महदूद हैं। पाकिस्तान के मुखैर हजरात अपने भाइयों की मदद के लिए आगे आएं। बहाली के लिए हमें पूरी कौम की मदद चाहिए। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों और दोस्त भी आगे आएं और मुश्किल हालात में घिरे लोगों की मदद करें। यकीन है, हमेशा की तरह हमारे तारकीन वतन पाकिस्तान में अपने भाइयों को मायूस नहीं करेंगे। इमरान खान की तकरीर लाइव दिखाने पर पाबंदी, 5 सितंबर तक मुअत्तल। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा, खातून जज को धमकियां दी गईं, छोड़ेंगे नहीं का मैसेज फॉलोअर्स के लिए होता है कि छोड़ना नहीं। बोझल दिल से कहता हूं, अदलिया को धमकियां देने की उम्मीद नहीं थी। बात उनकी होती तो परवाह न थी। बात मातहत अदलिया की है, जिसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। टॉर्चर हुआ तो हैंडल करने का तरीका है। जो कुछ किया गया वो दुरुस्त नहीं। काबिले एतराज बात पर तौहीन अदालत की कार्रवाई चल रही है। तकरीर पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। कैमरा 5 सितंबर को पाबंदी लगाने का जवाब पेश करे। इमरान खान ने खातून जज और दीगर आला हुकाम को धमकियां दी थी। इस्लामाबाद आईजी तुम और डीआईजी, तुम्हें तो हमने नहीं छोड़ना, तुम्हारे ऊपर केस करना हमने। और मैजिस्ट्रेट साहिबा, आप भी तैयार हो जाए, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। सेवन में सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलट गई। कश्ती उलटने से बच्चे समेत 4 अफराद डूब गए। लाशें निकाली गईं। कश्ती में 20 से ज्यादा अफराद सवार थे। वज़ीर-ए-आज़म मुराद अली शाह का सेवन का दौरा।
सुप्रियो बंद का फजाई जायजा लिया, बंसर झील का मुआयना किया। वजीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि सुप्रियो बंद पर कायम जितोई गोट के करीब शगाफ पड़ गया था। एफ पी बंद में 4 शगाफ लगे हैं। वजीर आला ने कहा उम्मीद है अगले 8 दिनों में बंसर झील में पानी की सतह कम होगी। ऐसे फैसले करने हैं जिनसे शहर डूबने से बचाए जा सकें। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। अपर चित्राल के इलाका यरखून में इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात में कहा कि बहाली के लिए इजाफी फंड्स महकमा रिलीफ को फराहम कर दिए हैं। दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। राजद पर 36 घंटों में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। सैलाब से फाजिलपुर तहसील रोझान को शदीद नुकसान पहुंचा। सैलाब से 475 सरकारी स्कूल डूब गए। इंडस हाईवे रोड और दीगर सड़कें टूट गईं। सिंध और पंजाब इंडस हाईवे 11 रोज भी बंद। चारसदा में सैलाब से 2 लाख अफराद मुतासर हुए। हजारों घर जेरे आब आ गए। 5 अफराद जान भाग, 180 जख्मी हुए। 800 से जायद जानवर हलाक हुए। 11,000 एकड़ रकबे पर खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा। जिले इंतजामिया की रिपोर्ट जारी। दूसरी तरफ गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से 22 अफराद जान भाग, 65 पुल और 16 राबता सड़कें मुतासर हुई। 450 से जायद घर मुतासर हुए। 5,000 कनाल से जायद जरई जमीन को नुकसान पहुंचा। ISTR ने कहा है कि पाकिस्तान के सैलाब जदगान की मदद के लिए दोस्त ममालिक ने इमदाद और बहाली की कोशिशों में तआवुन का वादा किया है। तुर्की से 4 फौजी तैयारे इमदादी सामान लेकर कराची पहुंच गए हैं। मुत्तहद अरब अमारात के 2 फौजी तैयारे नूर खान एयरबेस रावलपिंडी पहुंच गए हैं। चीन से 2 तैयारे आइंदा 48 घंटों में पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। बहरीन ने सैलाब जदगान के इमदादी सामान का 1 तैयारा भेजने का वादा किया है। तैयारों में आए इमदादी सामान में खेमे, अद्वियात और खाने पीने की अशिया शामिल हैं। मुतादिद वार्निंग्स के बाद भी नौशहरा के लोगों ने सैलाब से जान बचाने के लिए घर खाली न किए तो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुरतुलैन डंडा उठाकर निकल पड़ी। हर दरवाजे पर दस्तक दी, लोगों को सैलाब की संगीनी से आगाह किया। लोगों को जबरदस्ती घरों से निकालकर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि उन्हें मुख्तलिफ इदारों की रिपोर्ट से अंदाजा हो गया था कि बड़ी तबाही हो सकती है, इसलिए उन्होंने 18 माह की बच्ची समेत अपने बच्चे शोहर के हवाले किए और दूसरों की मदद के लिए अपने घर से निकल गयी। हॉकी ओलंपियन मंजूर जूनियर इंतकाल कर गए। मंजूर जूनियर को आज सुबह दिल का दौरा पड़ा और फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक मंजूर जूनियर को 3 स्टंट्स डाले गए। अस्पताल इंतजामिया ने पहले बिल की अदाई ना होने पर लाश लवाहिकीन के हवाले करने से इनकार कर दिया। अस्पताल इंतजामिया 5 घंटे के ट्रीटमेंट पर 4 लाख रुपए का बिल मांग रही थी। मौकफ था कि मंजूर जूनियर को स्टंट डाले गए हैं। बाद में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की मुदाखलत पर अस्पताल इंतजामिया ने मंजूर जूनियर की डेड बॉडी लवाहिकीन के हवाले कर दी। मंजूर जूनियर की वफात पर वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का ताजियत का इजहार। भारत ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। 148 रन का हदफ 2 घंटे पहले ही हासिल कर लिया। कप्तान बाबर आजम ने कहा कि 10 से 15 रन कम बनाए। फास्ट बॉलर्स ने मैच को दिलचस्प बनाया। शाहीन आफरीदी की कमी महसूस हुई। पाकिस्तानी टीम आज ट्रेनिंग सेशन नहीं करेगी। पाकिस्तान टीम एशिया कप में दूसरा मैच जुमे को हांगकांग के खिलाफ खेलेगी। भारत आखिरी में दोनों टीमों का दोस्ताना बर्ताव। मैच के दौरान ऋतिक पांड्या ने अचानक मोहम्मद रिजवान को गले लगा लिया। रिजवान हंस दिए। रन लेने की कोशिश में रविंद्र जडेजा हारिस रऊ से टकरा गए। गुस्सा करने की बजाय दोनों ने रुककर एक दूसरे की हौसला अफजाई की। प्रैक्टिस के दौरान भी भारतीय खिलाड़ियों ने शाहीन शाह आफरीदी की खैरियत दरियाफ्त की। इससे काबिल बाबर आजम की कोहली और रोहित शर्मा के साथ वीडियो वायरल हुई।